सरकारी डॉक्टर का कारनामा, एक माह पहले जिस हाथ को सही बताया अब निकला फ्रैक्चर ऑपरेशन। शिवपुरी के जिला अस्पताल में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर एक माह पहले एक बच्ची का हाथ डॉक्टर ने सही बताया था, लेकिन एक माह बाद जब बच्चे के हाथ में दर्द हुआ तो उसे दिखाया तो फ्रैक्चर निकला, जिसके बाद ऑपरेशन किया गया। जानकारी के अनुसार खुशी गुर्जर, उम्र 3 साल, पिता महेंद्र निवासी, चक से सही सड़क, एक माह पहले चबूतरे पर खेल रही थी और तभी नीचे गिर गई। इसके बाद डॉक्टर को दिखाया, जिला अस्पताल लेकर आए तो डॉक्टर ने उसे सही बताया, फिर बच्चे का हाथ काम नहीं किया तो 2 दिन पहले जिला चिकित्सालय दोबारा लेकर आए, एक्सरे किया गया, इसमें बच्चे का हाथ फ्रैक्चर आया और इसके बाद उसका ऑपरेशन कर दिया गया। भावना, बच्ची की माँ हुआ, क्या हुआ इसको? इसको हाथ टूट गया एक महीने पहले। हाँ, इलाज डॉक्टर ने नहीं करते कि नहीं टूटो। ठीक है, अच्छा नहीं हुआ तो ना मटका की दवा दू कर दोबारा परसों दोबारा लाए से मिलेगा टूटो है। अच्छा, हाँ ये ऑपरेशन हुआ 1 महीने पहले, नॉर्मल बताया था। कैसे गिर गई थी? देख नहीं पाई कैसे गिर पाई। कैसे गिरी थी? छत पे से। कहाँ के रहने वाले हो? कब लेके हुई आई थी अस्पताल में? आज परसों लाए थे। एक्सरे वगैरह हुए बच्चे का? पहले एक्सरे किया था? और पहले? हाँ, 1 महीने पहले। नहीं किया, पता नहीं। 1 महीने।